मैंने अपनी बच्ची की शादी एक मुस्लिम लड़के से तय की थी, और मैंने स्वयं सभी लोगों से इस बात को कहा था कि मेरी लड़की की शादी उसके सहपाठी के साथ, जो एक मुस्लिम परिवार से शादी करने जा रहे हैं। तमाम लोगों ने शुरू में भी इस बात को स्वीकारा था कि आजकल ये 21वीं सदी का युग है, लड़के लड़कियां इस काम को मतलब शादी करने के लिए फ्री हैं। सबके इस तरह का माहौल जो है क्रिएट हो गया है कि मुझे लगता है इस तरह के माहौल के बाद शादी के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं हैं। जो हमारा 25, 26, 27, 28 का कार्यक्रम था, तो फिलहाल इन तमाम चीज़ों को देखते हुए एक बाप होने के नाते मैंने अपनी बच्ची के प्यार को स्वीकारा। वर पक्ष के हम लोगों ने, परिवार ने आपस में बैठकर इस शादी करने को फैसला किया था। लेकिन जो वर्तमान माहौल चल रहा है, वो एक नगर पालिका अध्यक्ष होने के नाते, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, अब मेरी जिम्मेदारी अपनी जनता के प्रति भी है। कभी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने कहा है कि उनका निजी मामला है। तमाम संघ के बड़े पदाधिकारियों का मुझे फ़ोन आया और उन्होंने बड़े सही ढंग से मुझे मेरे अपनी बात जो है मेरे सामने रखी है, और मुझे किसी का दबाव नहीं बनाया। कई तरह की ये दुनिया है, इसमें कई तरह के लोग होते हैं। कुछ लोगों ने बड़े प्यार से बात की, कुछ लोगों ने भद्दे ढंग से बात की है, लेकिन उनका आक्रोश उनके हिसाब से मैं स्वाभाविक मानता हूँ। मेरा जो प्यार था अपनी बच्ची के प्रति और काल छपाने का, उसे मैं स्वाभाविक मानता हूँ। और तमाम परिस्थितियों को देखते हुए हमने ये निर्णय लिया है कि हम इस कार्यक्रमों को नहीं करने जा रहे हैं। लोगों का ये तक कहना था कि आपका मुस्लिम परिवार के साथ संबंध जुड़ना कहीं ना कहीं पॉलिटिकल स्टंट है। नहीं, देखिए, लोगों ने इस बात को कहा था कि कई लोगों ने, उस फैमिली ने भी मुझसे ये कहा, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और आप जब आप मिलेंगे, केवल मोमडन होने के नाते कि हमें वो अच्छे लोग हैं और मोमडन होने के नाते हम उनको नेगलेक्ट कर देते, तो ये भी हमें शोभा नहीं देता है। मैंने तो अपने, कई लोगों ने कहा कि इस शादी को करने के बाद तुम अपना राजनीतिक भविष्य दाव पर लगा रहे हो। मैंने कहा कि मुझे पहले अपने बच्ची का सुख भी देखना है, जिनको हमने पाला पोसा है। मेरा पॉलिटिकल अलग है, मैंने पौड़ी के लिए भी अपना योगदान दिया है, ये अलग चीज़ है, और मैं इसके फायदे नुकसान में नहीं जाता हूँ। मुझे एक नगर पालिका अध्यक्ष होने के नाते जो काम करने होंगे, मेरे काम अच्छे होंगे, तो मुझे एक बाप के नाते भी और एक जनप्रति के नाते भी अच्छी तरह देखा जाएगा। जिन लोगों ने सोशल मीडिया पे बड़ी, मैंने अपनी बच्ची की शादी एक मुस्लिम लड़के से तय की थी, और मैंने स्वयं सभी लोगों से इस बात को कहा था कि मेरी लड़की की शादी उसके सहपाठी के साथ, जो एक मुस्लिम परिवार से शादी करने जा रहे हैं। तमाम लोगों ने शुरू में भी इस बात को स्वीकारा था कि आजकल ये 21वीं सदी का युग है, लड़के लड़कियाँ इस काम को मतलब शादी करने के लिए फ्री हैं, सबके अपनी निजी ज़िंदगी है। उसी क्रम में हमने कार्ड छपाने शुरू किए, आधे कार्ड गए भी लोगों के पास, लेकिन एक कार्ड जो है बाहर से वायरल होने के कारण तमाम संगठनों के द्वारा, लोगों के द्वारा मुझ पे तमाम तरह की बातें कही गई सोशल मीडिया के द्वारा। और अब धीरे धीरे इस तरह का माहौल जो है क्रिएट हो गया है कि मुझे लगता है इस तरह के माहौल के बाद शादी के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं। जो हमारा 25, 26, 27, 28 का कार्यक्रम था, तो फिलहाल इन तमाम चीज़ों को देखते हुए एक बाप होने के नाते मैंने अपनी बच्ची के प्यार को स्वीकारा। वर पक्ष के हम लोगों ने, परिवार ने आपस में बैठकर इस शादी करने को फैसला किया था। लेकिन जो वर्तमान माहौल चल रहा है, वो एक नगर पालिका अध्यक्ष होने के नाते, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, अब मेरी जिम्मेदारी अपनी जनता के प्रति भी है कि एक खुशनुमा माहौल बना रहे, सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहे। लेकिन वो माहौल शादी के लिए मुझे अनुकूल प्रतीत नहीं हो रहा है, इसलिए हम तमाम 26, 27, 28 के जो हमारे वैवाहिक कार्यक्रम हैं, उन्हें हम जो है नहीं करने जा रहे हैं। ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं हर किसी का मुंह बंद नहीं कर सकता हूँ, और ज़माना है ये तमाम तरह के लोगों के लिए। हम पढ़ते थे जब औरों के लिए, वो बात आज मेरे लिए जब लिख रहे हैं लोग, तो लोग कहते थे कि यशपाल बेनाम बहुत आक्रोशित है, लेकिन मैं आक्रोशित नहीं हूँ। जब मुझे आक्रोशित होना था, मैं वहाँ हुआ करता था। इतने लोगों का अगर मैं जवाब देता रहता तो उन पर तो फ़र्क नहीं पड़ता, मुझ पर फ़र्क पड़ता, ठीक है। और मेरे राजनीति का गुण भी यही है, तमाम लोग मेरा विरोध करते थे, लेकिन मैं उनका कभी विरोध नहीं करता था, क्योंकि मैं हजार लोगों का विरोध करके स्वयं अपना नुकसान करता था। तो उस बात के परिणाम आज आप लोगों के सामने हैं कि मैंने जिस शालीनता के साथ नगर पालिका चलाई है, उसी शालीनता से मैंने तमाम लोगों को भी इस केस में हैंडल किया है। और ये मेरा सौभाग्य है कि पहले मैं कुछ नगर पालिका अध्यक्ष विधायक होने के नाते कुछ स्थानीय संगठनों से मेरा सामना हुआ, उसके बाद पौड़ी के छुटभैया नेताओं से मेरा सामना हुआ, उसके बाद पौड़ी के बड़े नेताओं से मेरा सामना हुआ, फिर राज्य के नेताओं से सामना हुआ, और अब हिंदुस्तान के कुछ लोगों से अगर मेरा सामना हो रहा है तो मेरा सौभाग्य है। और ये सारा कांड हुआ है, ये हमारे परिवार के लिए, वर पक्ष के परिवार के लिए और तमाम लोगों के लिए एक अच्छा रहा है कि तमाम लोगों ने हमें इस बात को लेके जो है, किसी ने पक्ष में और किसी ने विपक्ष में भी बात कही है, तो उनका भी वो कर्तव्य बनता था।